टोकन की समस्या से जूझ रहे बीजापुर के किसान अब सड़क पर उतर आए हैं। गुस्साए किसानों ने आबापल्ली इलमिड़ी गांधी चौक पर चक्का जाम कर दिया है और सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। धान खरीदी में देरी और बारदाना नहीं मिलने से नाराज किसानों के चक्का जाम से सड़क के दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई है, जिससे शहरवासी भी परेशान होते रहे। अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, बोरा नहीं कुछ नहीं, अभी दुकान भी बंद, सब बंद है। अभी देश पहुंच गया, अभी कैसा करना है हम लोग की सर? वो कर्जा भी लिया सब लिए, हम लोग कैसा करना है? पढ़ने लड़का लोग सब लोग, ये पैसा मिलने से हम लोग थोड़ा लड़का को भी आगे बढ़ सकते है, ऐसा हम लोग सोच रहे। क्या है, धान बिक्री नहीं हो रहा है, खरीदी नहीं हो रहा है, एक टोकन नहीं काटा जा रहा है एक महीने से। यहाँ तो किसान भाई बहुत परेशान है, रोज आना जाना कर करके परेशान है, और ये शासन प्रशासन भी नहीं सुन रही है, जिला प्रशासन भी नहीं ध्यान नहीं दे रही है, भूपेश सरकार ध्यान नहीं दे रही है, और वादा तो करने के लिए बहुत कुछ वादा कर। तो जरा जानकारी के लिए बीजापुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन दुर्गम फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। क्या कुछ मांगे हैं पवन किसानों की, जिसके चलते प्रदर्शन किया जा रहा है? हाँ जी, आपको बता दूं आबापल्ली में आज चक्का जाम किया जा रहा है। कल अनिश्चितकालीन धरने के लिए जो किसान है वो बैठे थे, इनको भाजपा का समर्थन मिला हुआ था। आज जो आबापल्ली इलमिड़ी के जो चौक है जो बीजापुर को जोड़ती है, वहां पर सैकड़ों की तादाद में किसान चक्का जाम करके बैठ गए हैं। सड़क को बंद कर दिया है, दोनों तरफ सड़क के उस पार इस पार आवाजाही पूरी तरीके से बंद है। प्रशासन के लोग वहां पहुंचे हैं, मनाने की कोशिश की जा रही है, सुरक्षा वहां पहुंची है उनको हटाने के लिए। बावजूद उसके जो किसान है वो अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं। दरअसल जो धान है उसके लिए बारदाना और जो टोकन मिलना चाहिए किसानों को, वो वहां पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर किसान खासे नाराज हैं। और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार, भूपेश सरकार ने जो 15 तारीख तक की जो मियाद तय की है कि उसके बाद धान खरीदी नहीं की जाएगी, इसको लेकर उनकी आपत्ति है कि स्थिति को बढ़ाया जाए। जब बारदाना और टोकन उन्हें नहीं मिल रहा है, पूरे किसान अभी धान नहीं बेच पाए हैं। सिर्फ एक केंद्र आबापल्ली की बात की जाए तो वहाँ 1600 पंजीकृत किसान है, जिसमें से अभी तक महज 400 लोगों के धान जो है वो खरीदे गए हैं, और 1200 किसान अभी तक वहाँ पर पंजीकृत जो है वो धान नहीं बेच पाए हैं। ऐसे में 15 तारीख तक धान किस हालत में बेचा जा सकता है, कैसे बेचा जा सकता है? किसानों की एक तकलीफ और है, जो किसान जिन्होंने कर्जा लिया है, यदि 15 तारीख तक वो धान नहीं बेच पाते हैं, उन्हें पैसे नहीं मिलते, तो वो आत्महत्या कर लेंगे, उनकी ये स्थिति है। और बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके धान खेत खलिहान में है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान है। और अनिश्चितकालीन धरना और यहाँ पे चक्का जाम किसानों ने बुलाया हुआ है, जिनको भाजपा का भी पूरा समर्थन वहाँ पे मिला हुआ है। और ये किसानों का साफ तौर पे कहना है कि जब तक उनकी मांगों को सरकार प्रशासन पूरा नहीं करती है, तब तक वो इस धरने से, इस चक्का जाम से पीछे नहीं हटेंगे। पिछले एक सप्ताह से वो लगातार कलेक्टर से, प्रशासन से, विधायक से मिल रहे हैं किसान, और उनसे उनकी समस्या। हमारे साथ जानकी कोरसा जिला पंचायत सदस्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जानकी जी, आखिरकार किसान अपना प्रदर्शन समाप्त क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं इनकी? जैसे मांगे हैं ना, यहाँ सबसे सबसे पहली बात तो यहाँ वरदाना की कमी है, और धान तो कम से कम 20-25 दिन से यहाँ पर खरीदा नहीं जा रहा है। अब लगभग 500 किसान का ही धान खरीदा गया है, लगभग 1200 किसान बचे हुए हैं यहाँ, और जहाँ का वहीं पर खेत में पड़ा हुआ है धान। और अभी बादली भी किया है, बारिश होने वाले होने जैसे हो रहा है, तो वो बहुत यहाँ पर परेशान हो रहे हैं किसान यहाँ। और एक बात है साहब सर, यहाँ ना जिला प्रशासन सुन रहा है हमारी बात को, और ना ये ऊपर शासन में बैठे लोग सुन रहे हैं, कोई भी नहीं सुन रहे हैं। और बस हम लोग यहाँ पर चक्का जाम कर रहे हैं, हम अपना धरना दे रहे हैं, ताकि हमारे आवाज को, हमारे किसान भाइयों का आवाज को शासन तक पहुँचाने को कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक ना कोई विधायक आ पहुँच रहे हैं, ना कोई कोई जिला प्रशासन से कोई आ रहे हैं, ना कोई आश्वासन कुछ भी नहीं बता रहे हैं। बस बैठे हैं हम लोग, आज तक इंतजार में ही बैठे हैं कि कोई आके कुछ आश्वासन करे तो हमको भरोसा मिल जाए कि हमारा धान बिक्री हो जाए। और बहुत से कर्जा ले चुके हैं यहाँ किसान लोग, ये बोल रहे हैं अगर कर्जा लिए हैं तो फिर अगर धान नहीं लेंगे तो कैसे करेंगे। कई लोग यही बोल रहे हैं। ठीक, जानकी जी, जिम्मेदारों से आपने बात करने की कोशिश की, क्या कुछ कहना है उनका? कब तक आपकी मांगों को मानने की बात कर रहे हैं वो? इनका कहना है सर कि अगर वरदान अभी तक नहीं पहुंच रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे वरदान से अगर खरीदा जाए तो ठीक रहेगा, या फिर और डेट बढ़ा दिया जाए। कब तक आपका धरना प्रदर्शन इस तरह से जारी रहेगा जानकी जी?
जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं होगा सर, तब तक हम पूरा किसान भाई सर, मैं भी उनका सपोर्ट कर रही हूँ, उनके साथ हूँ और रहूंगी, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगा तब तक करेंगे। शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। पवन दुर्गम हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जिला पंचायत सदस्य जानकी जी कह रही हैं, पवन जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी धरना लगातार जारी रहेगा। जी साफ तौर पर उनका कहना है, हमने सुना है कि जब तक धरना उनका, जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक उनका धरना यहाँ पे रहेगा। ये एक महजूसूर ब्लॉक में ये प्रोटेस्ट हो रहा है, लगातार जिले से जो कलेक्ट्रेट में है सैकड़ों जो किसान है वो रोजाना पहुँच रहे हैं। उनकी बस एक मांग है कि टोकन और बारदाना उनको समय पर उपलब्ध कराया जाए ताकि 15 तारीख तक जो है वो धान बेच सकें। और ऐसे इसी बीच जो भूपेश सरकार के एक आदेश आया है कि 15 तारीख के बाद शायद वो धान नहीं खरीदेंगे, उनका जो टारगेट था वो पूरा हो गया है। ऐसे में बीजापुर में सैकड़ों हजारों ऐसे किसान हैं जिनका लाखों क्विंटल धान जो है वो खेतों में पड़ा हुआ है, घरों में पड़ा हुआ है, वो नहीं बिकता है। तो जिन्होंने कर्ज लिया है वाकई में वो आत्महत्या करने को कहीं ना कहीं मजबूर होंगे, इस डर से कि जो किसान हैं सड़कों पे उतर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज उन्होंने चक्का जाम जैसी जो कार्रवाई है वो वहाँ पे की है, अब प्रशासन लगा हुआ है, तहसीलदार वहाँ पहुँच चुके हैं। पूरे धरना प्रदर्शन पर आप नजर बनाए रखिए पवन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। कोरोना वायरस को लेकर